गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। ये हमारा भाई है घुमक्कड़ अमन, हेलो गाइस। उठ गया है पर उठने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी। और सुबह 6:30 बजे हमारी आँख खुल गई थी, अभी अराउंड 7-10 बजे हुए हैं। और 6:30 बजे इतनी गंदी धूप है यहाँ पे, ये देखिए सामने, कि दिल्ली के 12 बजे हो कहना हमारे भाई का, एंड सारा समारोह में फैला हुआ है। तो एकदम फ्रेश हो गया, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है अभी क्योंकि बाहर है बंदर। तो ये नज़ारा सुबह का कुछ ऐसा, अपनी बाइक वहाँ पे पार्क है, तो बस अभी निकलने का वक्त आ गया है। आराम से आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, आज चितकुल जाने का प्लान है। सो गुड मॉर्निंग, अभी ये बजे हैं 8:30, 40 मिनट लेट हो गए। बाइक अपनी स्टार्ट होगी, ये बैग सारा पैक हो चुका है। आखिर नज़ारा देख लो आप नारकंडा का, क्योंकि आज हम जाएंगे चितकुल या तो फिर रिकॉन भी हो, वो डिसाइडेड नहीं है, वो रास्ते में देख के हम डिसाइड करेंगे जाना कहाँ पे है। टास्क था यहाँ से बाइक को मोड़ने का, होपफुली आराम से मुड़ गई है बाइक। पेट्रोल टैंक हाफ है, जो जेरी कैंस में भी पेट्रोल है, बड़ी खुल नहीं रहे मुझसे, तो अभी पेट्रोल डलाएंगे, थोड़ा कैश भी निकलवाना है, एंड निकलते हैं अभी यहाँ से। तो अपने सारे दोस्त आ गए नीचे, उनका कोई और प्लान है, वो कहीं और जाने वाले हैं, आई डोंट नो। और वैसे भी वो अलग थे हम अलग, और हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं था उनके साथ जाने का, क्योंकि दीज आर फॉरनर्स, इनको परमिट की ज़रूरत है, तो इनको जाना होगा परमिट लेने के लिए, हमें परमिट की ज़रूरत नहीं है, तो हम जाएंगे घूमने। तो मिलते हैं रास्ते में। रामपुर से नियर अबाउट 20 किलोमीटर पहले ही है, और रास्ते स्टार्ट, ट्रेलर आ चुका है हमारे सामने कि रास्ते ऐसे भी है। अब मुझे नहीं पता कि रास्ते इससे भी ख़राब होंगे कि कैसे होंगे, बट मेरे लिए तो ये भी ख़राब ही है। वो व्यू नीचे का नज़ारा बड़ा अच्छा है, पर तुम लोग देख लो, मेरे को मत दिखाओ। ओहो क्या नज़ारा है भाई नीचे का, पूरा रास्ता ही ऐसा है। सो वी आर इन रामपुर नाउ, एंड कोई एक रेस्टोरेंट दिखा है, कुछ खा लेते हैं यार, भूख बहुत लगी हुई है। बस बाइक थोड़ी रोड पे खड़ी हुई है मेरी, भगवान करे है सेफली खड़ी रहे। चलते एक बार अंदर, गर्मी बहुत लग रही है, देन मैं आपसे बात करता हूँ। भाई क्या रास्ते हैं ना यार, सामने का पहाड़ देख के तो ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि बाइक सीधी वहीं पहुंचा दूं। हाँ सीधी ऊपर, बाइक सीधी यहां से ऊपर लॉन्च। अभी हम इंतजार कर रहे थे स्पीति जाएंगे, स्पीति जाएंगे, अब बस पहुंच ही गए। तो हम रामपुर पार कर चुके हैं, तो हम रामपुर पार कर चुके हैं अभी, एंड अभी हम जाएंगे आगे, देखते हैं रिकॉन पे जाना है कि चितकुल, वो आगे जाके डिसाइड करेंगे। अभी तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो रास्ते में एंजॉय कर रहा हूँ और बस मज़े ले रहा हूँ बाइक राइडिंग के। नाम लेते हल्का सा ख़राब आ गया पैच, चलो काम चल जाएगा, ऐसे पैच भी आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है।
तो अगर आपको आगे जाना है यहाँ से रिकॉन व्यू खासा, तो आपको यहाँ पे एंट्री करानी होती है। ये रास्ता आपका रामपुर से थोड़ा सा आगे मिलेगा, तो आप यहाँ पे आके एंट्री करा सकते हैं। तो गाइस ये हम आ गए यहाँ पे, फेमस जगह है किन्नौर गेटवे, किन्नौर गेटवे। सो ये आपके सामने इतना बढ़िया नज़ारा है, तो भाई ये अल्टीमेट चीज़ है यार। तो देखिए यहाँ के पहाड़ यार अलग ही, यहाँ के पहाड़ अलग, लद्दाख के पहाड़ अलग, ये वाले पहाड़ अलग, मनाली के अलग, हर एक पहाड़ अलग जगह का अलग ही होता है। अरे वाह, ये क्या बोल दिया। और रास्ते अभी तक तो बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, और अगर ऐसे रास्ते, भगवान ऐसे रास्ते रहे आगे तक, तो मज़ा आ जाए। सफ़र का जो मज़ा ऐसे रास्तों पर है ना, वो कहीं नहीं है। हम ज़्यादा, मैं ज़्यादा स्पीड पर चल भी नहीं रहा हूँ, आराम से 70-80 की स्पीड पर, और अच्छा, अच्छी बाइक चल रही है। तो देखो ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पे, और ये देखो बाइकर्स हिमाचल प्रदेश सब जा रहे हैं यार। ये रूट पे बहुत सारी बाइकें मिली, बहुत सारे बाइकर्स मिले, सब अच्छा था। और ये देखिए साइड में, आपको नहीं दिख रहा होगा अभी क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है फेंसिंग, कहीं दिखेगा तो दिखाऊँगा। कर्व आ गया भैया, ओह ये देखिए सामने क्या मस्त नदी बह रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। ऊपर मेरे देखिए बादल ही बादल है, बस आज ना बारिश हो जाए भगवान, फिर हो जाए तो हो जाए, मज़ा तो आना है बारिश में। रास्ते बहुत अच्छे हैं यार, रास्ते वाकई बहुत अच्छे हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ जाना है। पीओ प्लान तो पीओ का बन रहा है, अगर चितकुल भी जा सकते हैं, और चितकुल के लिए क्या कि थोड़ा ना वापसी आना पड़ेगा, थोड़ा ना घूम के, तो 40-50 किलोमीटर जाओ फिर वापसी आओ, उसमें मेरे को थोड़ी टेंशन लग रही है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। मेन हमें जाना है काजा, हमारा मेन डेस्टिनेशन तो काजा है। काजा में हमारा 2 दिन का स्टे रहेगा, देन उसके बाद हम चंद्रताल, देन टू मनाली। तो ये हमारा टोटल प्लान है, और अभी अराउंड 2 बजे हुए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, और हमने अराउंड 120-130 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। हमारा यहाँ से जो पीओ का डिस्टेंस है वो अराउंड होगा 40-45 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। देखते हैं अगर रास्ते ऐसे ही रहे तो 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर रास्ते ख़राब रहे तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लो भगवान नाम लिया, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, ज़रा एक बार देख लेते हैं, अगर बारिश थोड़ी तेज़ होती है तो जल्दी से हम अपने रेन कवर्स पहन लेंगे। या ये है असली मेहनत साइकिल पे, दिस इज समथिंग गुड, ये है भाई असली मेहनत, ट्रैवलिंग का जज्बा इसको बोलते हैं। वैसे बारिश बहुत तेज आ रही है, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती होगी अभी तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट नज़ारा देखो यार बारिश में, यहाँ हो जाता है बट अच्छा यार, और बारिश हो जाए ऊपर से रास्ते ख़राब नहीं जाए तो बस और भी मज़ा। और ये देखिए पानी, हद पानी है यार, इस साइड सूखा हुआ था, इस साइड पानी कैसे भरा हुआ है लपालप। ओहो ये है नज़ारे भाई, क्या सच्ची है, सॉरी और मैं लेंगे भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार, ये एकदम बढ़िया।
चला रहा हूँ और बारिश हो रही है हल्की हल्की, बड़ा सही लग रहा है यार। तो गाइस हमारा डिसाइड हो गया है, हम चिटकुल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस वहाँ जाने के लिए हमें कल फिर वापसी भी आना पड़ेगा। तो आज हम रिकॉर्ड किए जाएंगे और देखिए ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है। नजारा देखो भाई, सामने कितना सुंदर है, कितना सुंदर नजारा है सामने, एक नंबर। यहाँ पे टनल का भी काम चल रहा है काफी जगह पे, तो माइट भी आने वाले समय में काफी इजी हो जाएगा स्कीटिंग करना लोगों के लिए। अजीब ही पहाड़ है यार यहाँ पे, ऐसे के ऊपर एक रखा हुआ है पत्थर, तो ये बहुत अच्छा है, नाइस। तो हम पहले यार ढूंढना पड़ेगा कि भाई कैंपिंग होती है कि नहीं। हम रिकॉन पे ना रुके, हम कल्पा में रुके हैं ऊपर, एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है तो उन्होंने हमें थोड़ी जगह दी है पीछे, तो आप यहाँ पे अपना कैंप लगा सकते हो। जगह ये है पीछे, बस थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा एंड अपना यहाँ पे कैंप लगाएंगे एंड फिर पूरी नाइट यहीं पे स्टे करेंगे। तो एक बार कैंप लगा लेते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बंद कर दो। तो गाइस देखो, ये अमन भाई हमारे घुमक्कड़, अमन टेंट हमारा सेट हो चुका है और बारिश फिर से आ गई है। और हमारे दिक्कत आज ये हो गई है, हमारे ना बैग में तो पता नहीं कैसे वाटरप्रूफ तो था पर हमारे कंबल सारे वाले गीले हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है अभी टेंट। तो टेंट हमारा लग गया पीछे और हल्की हल्की बारिश अभी आ रही है एंड हमारा जितने भी कंबल वगैरह थे सारे भीग गए हैं। अब देखते हैं इनसे अगर एक थोड़े दो कंबल अरेंज अगर हो सकते हैं, तो एक कंबल थोड़ा बचा हुआ हमने उससे काम चला लिया, बट दो तो पूरे गीले हैं तो ओढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं अपने पास। तो अभी देखते हैं कुछ अरेंज होता है तो अरेंज करते हैं, कुछ खाना खाते हैं देन उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो भाई अभी अपना टेंट के अंदर लेटे हुए हम, 7:30 बजे डिनर अभी तक किया नहीं हमने, थोड़ी देर में हम डिनर करेंगे। ये रहा अमन भाई इधर, और अमन तो बढ़िया बारिश हो रही है बाहर ना, और आराम से लेटे हुए। दोनों कंबल हमारे भीग गए थे तो हमने यहाँ भैया से कंबल ले लिए, तो उन्होंने दो कंबल हमें दे दिए, एक कंबल हमने नीचे लगा लिया मैट के ऊपर और दो कंबल आराम से ओढ़ के आराम से सो जाएंगे। आज सुबह उठेंगे, देखते हैं कहाँ जाना है कल, ताबो या नाको। और अमन भाई कुछ कहना चाह रहे हो? बस भाई बहुत बढ़िया प्लेस है ये, दामोंग के नाम से फेमस है ये कल्पा में। जब भी आप कभी कल्पा की तरफ आओ तो यू कैन विजिट दिस प्लेस,
यहाँ पे कॉटेजेस भी हैं और मड हाउसेस भी हैं जो कि प्रॉपर मिट्टी से बनाए गए हैं। और अगर आपके पास अपना कैंप है तो आप अपना कैंप लेके आ सकते हैं, इनके पास स्पेस है तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। खाना बहुत अच्छा है अभी तक जो हमने खाया है, लच्ची फॉर डिनर व्हाट वी विल गेट। अभी तक थोड़ा बहुत ही ट्राई करा हमने खाना, और डिनर में देखते हैं भैया कैसा खाना बनाते हैं। बट मौसम देखो यार, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कैंपिंग इज़ द बेस्ट अगर आपको घूमने का शौक है, एडवेंचर करने का, और मौसम हो ऐसा जहाँ की बारिश भी पड़ रही हो। अभी बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है बाहर टेंट पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे रात को ठंड में बचा पाते हैं कम्बल या नहीं, अगर नहीं तो हम यहाँ से जाने के बाद कहीं दूसरे भैया ने एक रूम बताया हमें, अब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आके सो सकते हो अगर आपको ज़्यादा ठंड लगेगी तो। बट अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया कोजी कोजी फील हो रहा है अंदर टेंट के। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड कल मिलते हैं सुबह सुबह नेक्स्ट प्लान के लिए, ताबो या नाको देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ रुको यार, कहाँ जा रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके तो चले जाओ चैनल को।